जय शिक्षा ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो विभिन्न प्रकार के राजयोगों में एक प्रबल राजयोग का नाम है, वो है केदार योग। आज मैं आपको केदार योग के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। सभी को जय शिक्षा। वैसे हम सभी जानते हैं कि ग्रह मजबूत कैसे होते हैं, उनको बलि अवस्था कैसे प्राप्त होती है, तो उसमें से कुछ विशेष योगों को भी हम इसमें जोड़ते हैं और प्रमुख तौर पर राजयोगों को विशेष महत्व देते हैं कि राजयोग कितने हैं। इसी हम जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, हमारे पास कोई जन्म पत्रिका आती है और उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह मित्र राशि में बैठा हुआ, केंद्र भाव में बैठा हुआ है या त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, और फिर उसी से हम गणना करते हैं कि इसके विष्णु योग है, लक्ष्मी योग है या अन्य प्रकार की पंच महापुरुषों योगों में से एक योग है या दो योग है। तो इस तरह से उसके कुंडली विश्लेषण करते हमें विशेष इस पर नज़र पड़ती है। तो ऐसे में आज मैं आपको एक प्रबल राजयोग के बारे में बता रहा हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से और इसके क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बताऊँगा। केदार योग, जैसा कि नाम से ही विदित है कि केदार, हम केदार को यदि दूसरे दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, तो केदार का मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, हिमाचल प्रदेश ऊपर की तरफ केदार। तो केदारनाथ का वहाँ पर वातावरण देखते हैं तो एकदम शीतल वातावरण होता है, ठंडा होता है और वहाँ पर बर्फ़ जमती है और धार्मिक आस्था भी है। तो ऐसे में केदार योग में जो देखा जाता है वो उसके अलग अलग गुण उसी केदार योग के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, अच्छी तरह समझाऊँगा। तो सबसे पहले केदार योग कैसे बनता है। जन्म पत्रिका में राहु और केतु को हम अलग कर दें, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह है और इनका अस्तित्व कम माना गया है, माना तो गया है लेकिन इनको छाया ग्रह मानते हुए सिर्फ 7 ग्रहों को, जिस तरह हम 7 वार लेते हैं, रविवार से शनिवार तक 7 मानते हैं, तो इसी तरह से राहु और केतु को यदि हम अलग कर देते हैं तो फिर शेष बचते हैं 7 ग्रह। तो 7 ग्रह यदि जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान, अब केंद्र स्थान में आपको बार बार बताता हूँ, यदि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा हो, पिछले वीडियो देखा होगा, तो केंद्रीय योग होता, केंद्र जो भाव होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, जन्म पत्रिका का पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां और 10वां, ये केंद्र भाव चौकोर भाव होते हैं, इनको केंद्र भाव कहते हैं। तो राहु और केतु को छोड़कर 7 ग्रह इन चारों में किसी में भी 4 भाव में बैठे हों तो ऐसे में उत्तम प्रकार का केदार प्रबल राजयोग बनता है। और दूसरे प्रकार का जो राजयोग है वो है जन्म पत्रिका में केंद्र और त्रिकोण, कुछ ग्रह केंद्र में और कुछ ग्रह त्रिकोण में स्थित हो, किसको, राहु और केतु को छोड़कर शेष रहे 7 ग्रह या तो केंद्र में और त्रिकोण, इस तरह से जो 4 स्थानों पर बैठना चाहिए टोटल, ये नहीं कि 6 में या 2 में। इसका नियम जो ये है कि राहु और केतु को छोड़कर 7 ग्रह जो हैं वो किसी 4 स्थानों में, यानी कि 4 हाउसेस को रूल करते हों, 4 स्थान पर बैठते हैं, 4 भाव पे यदि स्थित हो, 2 पे 1 पे भी नहीं चलेगा, सिर्फ 4 भाव है और चारों में 7 ग्रह किसी भी तरह से बैठे हों, तो ऐसे में केदार योग का निर्माण होता है। तो ये केदार योग का निर्माण जो है ये उत्तम श्रेष्ठ कहा गया है, कौन सा, एक तो त्रिकोण और दूसरा होता त्रिकोण और केंद्र और एक होता है केंद्र, तो दो तरह के बताए, एक तो केंद्र में होना चाहिए, दूसरा त्रिकोण और केंद्र, इस तरह से 2 उत्तम राजयोग माने गए हैं। इसके अलावा यदि जन्म पत्रिका के 3रा स्थान, 6ठा स्थान, 8वां और 12वां, ये 4 स्थान हैं, इन 4 स्थानों पर शेष
सात ग्रह राहु और केतु छोड़कर सात ग्रह स्थित हो तो ये मध्यम श्रेणी का केदार योग का निर्माण होता है जो कि श्रेष्ठ राजयोग कहलाता है। अब इसके क्या क्या गुण धर्म है, क्या इसका बेनिफिट है, इसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो ये है कि ऐसा जातक स्वभाव से दयालु होता है, दयावान, प्रतिभावान और बुद्धि से बुद्धिमान होता है। और ऐसा जातक दयालु होने के कारण परोपकारी भी हो सकता है और स्वभाव से दयालु परोपकार की भावना के अलावा ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र से उसका बहुत लगाव रहता है। तो आध्यात्मिक और धार्मिक के अलावा वो दान प्रवृत्ति उसकी जो रहती है, दूसरों को दान देना, ये उसका गुण धर्म कहलाता है। तो ये केदार योग के जो लक्षण है कि इसमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं उसके बारे में बताया है मैं। तो इसके अलावा ऐसा जातक की विशेषता यह है कि यदि इनको अपनी मनपसंद का कैरियर चूज मिल जाए, किसी के दबाव में आकर नहीं, खुद स्वतंत्र रूप से जो भी क्षेत्र में जाएंगे, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में यदि अपने पसंद के क्षेत्र का वो चयन करते हैं और उस पर प्रवेश करते हैं और उसमें जी जान लगा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर केदार योग के कारण बहुत ही सफल व्यक्ति कहे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों का सफलता उनके कदम चूमती है, सफलता दिनों दिन बढ़ती जाती है उम्र के अनुसार। इसके अलावा ऐसे जातक जिनके जन्म पत्रिका में केदार योग स्थित होता है तो केदार योग के कारण वो गुणवान भी होते हैं। गुणवान होने के साथ उनमें धन कमाने की प्रवृत्ति, यानी कि वह धनवान हो सकते हैं, श्रेष्ठ उद्योगपति हो सकते हैं, श्रेष्ठ राजनीतिक हो सकते हैं। कब? जबकि वो अपने स्वयं स्वविवेक से, दूसरों के दबाव नहीं, खुद अपनी इच्छा से इन क्षेत्रों में, किसी एक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उनका जिस क्षेत्र में जाएंगे वो उनको लाभ तो मिलेगा सही, सफलता तो मिलेगी सही, और उस क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों का बड़ा दबदबा रहता है। और ऐसे व्यक्ति यदि कृषि क्षेत्र में, इन क्षेत्रों के अलावा ये एक्स्ट्रा जॉब यदि चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में ये प्रवेश करें या इसमें कुछ रुचि हो, तो ऐसे व्यक्ति कृषि क्षेत्र में भी अत्यंत धन लाभ प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ कृषक बन सकते हैं। तो ये जो केदार योग है इसके हमने किस तरह से बनता है और इसके क्या गुण धर्म है और क्या विशेषता है और किस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। यह केदार योग बहुत ही प्रबल योग है, लेकिन शर्त यही है कि केदार योग राहु और केतु को छोड़कर जो शेष सात ग्रह हैं वो सात ग्रह या अपने मित्र राशि में बैठे हो, केंद्र में बैठे हो, या त्रिकोण में बैठे हो, या फिर 3, 6, 8, 12 इनमें से किसी में बैठे हो, लेकिन शर्त यही है कि इनका चार स्थानों में, चार हाउस में बैठना अनिवार्य है। और जितना ज़्यादा प्रबल स्थिति में, प्रबल कब बनते हैं, या तो अपनी मित्र राशि में स्थित हो, जो सात ग्रहों में से ज़्यादा जितने ज़्यादा मित्र राशि में स्थित होंगे, या फिर उच्च राशि के स्थित होंगे, तो उनका प्रभाव उसी अनुरूप केदार योग का ज़्यादा से ज़्यादा उनको परिणाम मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो ये केदार योग के साथ अन्य योग जो है राजयोग, यदि वो इसमें बन जाए तो ऐसे जातक को सफलता तो अवश्य मिलती है और ये नई नई बुलंदियों, ऊंचाइयों को छूता ही चला जाता है। इसको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे व्यक्ति जिसके केदार योग लेकर जन्म लिया है और वो अपनी इच्छा से स्वयं जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आज मैंने आपको केदार योग के बारे में जानकारी दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए और एक आत्मनिवेदन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।